नमस्कार। तो आज आप हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो स्टॉक में 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, मीन्स सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आया था। क्लियरली आपके सामने है, जो कि यहाँ पे क्वार्टर के नतीजे भी आए थे सामने, जहाँ पे आप लोग देख सकते कि क्वार्टर के नतीजे के बाद जो है मोमेंटम और भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि क्वार्टर टू में जो है थोड़ी सी डिक्लाइन नज़र आए थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिपोर्टेड अ क्वार्टर टू नेट प्रॉफिट ऑफ 8.97 बिलियन रुपीज, डाउन फ्रॉम 13.1 बिलियन रुपीज लास्ट ईयर। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्वार्टर टू के नतीजों में गिरावट देखने को मिले, जिसकी वजह से स्टॉक भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर की नज़र आया है और 4% की गिरावट भी देखने को मिले। रेवेन्यू में भी थोड़ा सा गिरावट डिक्लाइन देखने को मिला है, जो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आया। पर नीचे की तरफ जाता है स्टॉक तो फिर से 115 से 110 जो है एक सपोर्ट यूज होने, वहाँ पे सपोर्ट लग सकते हैं। पर अगर वॉल्यूम इंप्रूव होंगे तो स्टॉक में रिकवरी आ सकती है फिर से एक बार।